स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फिजिकल एकेडमी। आज हम लोग जो है इसका लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, ठीक है। और लेक्चर नंबर थर्ड रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, एक तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कम्प्लीट कर चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन के बाद और हमने इसमें क्या क्या किया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला आता था और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूज क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। और एक हमने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम किया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया था, उसको आज हम लोग यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी बेसिकली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी, करंट डेंसिटी रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। जब हम बात करते हैं अपने CBSE बोर्ड की, वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ज़रूर देखेंगे हेडिंग को, एक मिनट। तो जब हम इस हेडिंग को देख रहे हैं करंट डेंसिटी को, तो इसका इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखना। करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the current flowing per unit area, current flowing per unit area which is held normal या perpendicular to the flow ऑफ चार्जेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करंट डेंसिटी, ठीक है। ये हेडिंग क्या हमने पढ़ी है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि करंट जो भी फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, और उसको हम लोग कैसे रख रहे हैं, कंडक्टर को नॉर्मल रख रहे हैं, किसके, फ्लो ऑफ द चार्जेस के। तो अब इसके बाद जाके हम लोग इसका जो फॉर्मूला पढ़ते हैं करंट डेंसिटी का, वो क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए, क्योंकि यही तो कह रहा है, देखो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो यहां से अब हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यहां से और हम लोग इस फॉर्मूले से देखना जरा ध्यान से, इफ फॉर एनी करंट एलिमेंट, अगर हम किसी करंट एलिमेंट को लेके चले, करंट एलिमेंट मतलब ये ऐसा लिख देते हैं, फॉर एनी करंट एलिमेंट, है ना, ये अच्छा लग रहा है, फॉर एनी करंट एलिमेंट डी आई, तब यहां से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओवर अ सरफेस डी एस या डी ए, डी ए मतलब एरिया, तो क्या हो जाएगा, डी आई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन जे और ए, और चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, जे इंटू ऐसे लिख दो जे डॉट डी ए, ठीक है। अगर हम किसी ओवर सरफेस एरिया के लिए निकाल लें तो, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट को प्रूफ करती है, ठीक है। आगे की बात, करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट किससे करेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे, ऐसा यूनिट निकालो इसकी करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा और क्या हो सकता है यहां से, और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब देखो इसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं, यहीं पे ही मैं और छोटी छोटी हेडिंग करा देता हूँ, तो एक साथ से हम लोग रिलेशन को ले लेंगे। रिलेशन कौन सी ले लेंगे अभी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हमारी सेकेंड हेडिंग है करंट डेंसिटी के बाद कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल्स टू 1/r, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है रेजिस्टेंस का। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, और ओम का इनवर्स यानी कि, या फिर और क्या कह सकते हैं, मो, या फिर और एक और नाम होता है इसका, साइमेंस, ठीक है। थर्ड थर्ड देखो जरा, थर्ड थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बच्चों हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और रेसिप्रोकल होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के, यानी 1/ρ के बराबर होती है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी जरा बताइए? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर का इन्वर्स कर दो, तो ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स, या फिर मोह इंटू मीटर इन्वर्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिलेशन चेकअप करते हैं, ठीक है। इसका आप रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या होता है देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए जरा आगे की तरफ, अभी हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन जे। जे को क्या कहते हैं? अभी पढ़ाया मैंने करंट डेंसिटी, है ना। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा, सिग्मा को क्या कहते हैं? सिग्मा को क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और किसके बीच में? ई। ई क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको रिलेशन निकालनी है जे सिग्मा और ई के बीच में, ठीक है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखना किसी भी नाम से आ सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस हेडिंग को देखते हैं क्या कहता है। बहुत इजी है ये डेरिवेशन, इसका ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखो कि यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग करना, ठीक है। यहां से कैसे? देखो, फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट
एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आई बराबर एन ई ए वी डी, यही पढ़िए। अच्छा अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, आई इस ए को इसके नीचे भेज दिया और एन ई वी डी लिखा। अब बताओ ये क्या बन गया, आई वाई ए क्या है? आई वाई ए इज नथिंग बट जे, यही तो होता है। अब क्या कर रहे हैं देखना है, वी डी की वैल्यू हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो ई ई टाओ अपॉन एम होता है इसका, लिख दो फटाफट वी डी की वैल्यू लिखो, ये वाली क्या है लिखना जरा, ई ई टाओ अपॉन एम, यही तो है भाई, ये वी डी की वैल्यू हमने यहां पुट किया तो ये आ गया। अब आगे की बात सुनो, ई इंटू ई क्या बन गया बच्चों, एन ई स्क्वायर ई टाओ अपॉन एम, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, आगे देखिए इस e को मैं अलग ले जा रहा हूं, ठीक है, इस e को अलग ले जा रहे हैं, तो n e स्क्वायर tau अपॉन m, बाहर e कर दिया। अच्छा बताओ ये क्या होता है, m अपॉन m e स्क्वायर tau, इट इज नथिंग बट बोलो 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 रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी होती है ये, बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। तो j इज इक्वल्स टू वन अपॉन रो इंटू ई, ठीक है, और वन अपॉन रो क्या होता है, ये होता है, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, दैट इज द आंसर, जे बराबर सिग्मा ई, बहुत इजी डेरिवेशन था जे बराबर सिग्मा ई, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पर्पज से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसे याद करना पड़ेगा आपको, काफी मतलब इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्पज से, एक बार याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, देखना जरा, जे बराबर सिग्मा ई तो आई गए, अब आई बराबर जैसे एन ई ए वी डी है, ठीक है, तो आई बाय ए तो हमें पता ही है, एन ई वी डी ये क्या होता है, ये जे है ना, जे बराबर एन ई वी डी, ये भी ये तो पता ही है हमें, जे बराबर एन ई वी डी। तो अब अगर अगर ध्यान से देखो, अगर हमें वी डी की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, जे अपॉन एन ई, ठीक है, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जे की वैल्यू ये क्या है, सिग्मा ई अपॉन एन ई, ये हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए मैंने बताया, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ आ गया, ये रहा आंसर, ठीक है, इसे याद करना है हम लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो, ये दो रिलेशन हो गई हमारी, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि जो कलर कोडिंग है वैसे तो सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, कलर कोडिंग करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हेडिंग है हमारी कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, इसे याद करने के लिए कैसे याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एक्चुअली कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर का मतलब आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग बाजार से मार्केट से हम लोग जब रजिस्टेंस खरीद के आते हैं तो उस रजिस्टेंस के अंदर बच्चों कभी भी देखना इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं उसके अंदर, पहली स्ट्रिप मतलब बैंड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये कलर के बैंड होते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 और हो सकता है कभी 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 क्या हो फोर्थ वाला भी कलर हो। इस तरीके से रेजिस्टेंस कुछ हमें मार्केट में मिलता है। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस है ये, मतलब एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। अब इसमें ये जो ये स्ट्रिप्स है 1, 2, 3, 4 ये बैंड कहलाते हैं। बैंड किसके, कलर के बैंड। ठीक है, 1, 2, 3, 4 दीज आर द बैंड्स। अब इसी नंबर इसी कलर की वजह से ये जो हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 इनके कलर की वजह से ही हम हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तक निकाल लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है। मान के चलो जैसे इसका कोई कलर होगा, इसका कोई कलर होगा, इसका कोई कलर होगा, इसकी कोई कलर होगा, उन कलर की कोडिंग के हमें को बताई जाती है। उस कोडिंग से हम लोग उस रेजिस्टेंस की वैल्यू तक निकाल सकते हैं कि कितना वो वैल्यू हमें बता रहा है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास से लिखा है बी वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो इसको कैसे लिखेंगे देखना जरा। ब्लैक 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 ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे और लास्ट में वाइट। इस तरीके से ये कलर्स हैं, दीज आर द कलर्स। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा ना 1, 2, 3, 4 नंबर्स होते हैं, तो नंबर कैसे होते हैं देखना है, इनका ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर से ही लगाए गए हैं, तो ऑर्डर। और यहां पे ये मल्टीपल इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power, 10 to the power की फॉर्म में होते हैं यहां पे। ठीक है, जरा देखना, यहां से अगर मैंने ब्लैक लिखा तो ये 0, तो यहां पे बच्चों 10 to the power 0 इस तरह से 1, 10 to the power 1 रेड 10 to the power 2 ऑरेंज 10 to the power 3 येलो 10 to the power 4 ग्रीन 10 to the power 5 ब्लू 10 to the power 6 वॉयलेट 10 to the power 7 ग्रे 10 to the power 8 वाइट 10 to the power 9। अब क्या होता है लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट आती है हमारी टॉलरेंस। और टॉलरेंस क्या है, 3 होते हैं यहां पर। ठीक है, और वो 3 जो हैं गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है, टॉलरेंस मतलब वो कितना टॉलरेट कर सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। गोल्ड की अगर गोल्ड की लास्ट में स्ट्रिप लगी है तो 5% की टॉलरेंस करेगा, सिल्वर की 10%, नो कलर मींस तो 20% तक टॉलरेट कर सकता है। अब सुनो, ये तो कर दिया, अब इसमें सीखे कैसे हम लोग, क्या सीखना है। एक्चुअली में जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे ऑर्डर को शो करते हैं, ऑर्डर मतलब ये नंबर्स इसको शो करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला जो है ये मल्टीपल को शो करेगा, ये जो 10 to the power में लिखा है इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power। ठीक है, इसकी 10 to the power की फॉर्म में, मतलब ये मल्टीपल को शो करता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है मल्टीपल, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता मल्टीपल, यानी इसको ये वाली वैल्यू जाएंगे सारी की सारी। ठीक है, और ये लास्ट जो है ये टॉलरेंस को शो करता है। ठीक,
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं दो तीन, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कलर कोडिंग कैसे। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट स्ट्रिप है, यानी ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है ये रेड है, सेकेंड स्ट्रिप जो है वो येल्लो है, मैंने कहा थर्ड स्ट्रिप जो है वो ग्रीन है, और फोर्थ फोर्थ जो है वो टॉलरेंस को शो करती है, वो मैंने लिख दिया यहाँ गोल्ड है। फटाफट देखो, रेड रेड कहाँ है? टू। येल्लो येल्लो कहाँ है? फोर। ग्रीन मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, ग्रीन ग्रीन कहाँ है? ग्रीन ये रहा, ग्रीन कितना है? किसकी पावर में लिखना है? मल्टीपल इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर, तो ग्रीन के सामने देखो इसका नंबर कितना है? 10 टू द पावर 5। टॉलरेंस, टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में आएगी, क्योंकि ये एरर कितने है, यू को कितना वो प्लस माइनस वो वैल्यू टॉलरेट कर सकता है। गोल्ड, गोल्ड कितना है? 5%। दिस इज द आंसर, खत्म। यानी अगर मेरे पास ये चार कलर के मुझे रिंग दी, या यू को बैंड दिया, ये को स्ट्रिप दी, तो मैं कि तो इतनी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे इनकी जगह क्या लिखा देखना यार, इनकी जगह मैंने दूसरा लिख दिया। एक दो एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने लिखा येलो, ब्लैक, येलो ब्लैक ऑरेंज और गोल्ड। येलो, येलो पे कितना है? 4। ब्लैक पे कितना है? 0। फिर क्या है? मल्टीपल ऑरेंज, ऑरेंज क्या है? 10 टू द पावर 3। गोल्ड 5%। दिस इज द फाइनल आंसर, बस खत्म। इतना याद रखना है बस हमको। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कल फिर डिस्कस करेंगे। अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी, रेगुलर, एक दिन का भी गैप नहीं मिलेगा आपको। डेली चाहे 10 मिनट की बने, 15 मिनट की बने, वीडियो जरूर मिलेगी। और ये यूनिट कराने की गारंटी मेरी है, मैं पूरी यूनिट कराऊंगा विद द एक्स्ट्रा नोट्स, जो कि आईआईटी के लिए भी काफी काम में आएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, तो आपको आगे बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी विद फिजिका अकेडमी। गॉड ब्लेस यू ऑल।